खबर बिहार से है, जहां ट्रेन की सीढ़ियों पर बैठकर फोन चलाना एक युवक को भारी पड़ गया, क्योंकि जब ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी तभी एक चोर ने उसका फोन पलक झपकते ही छीन लिया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामला कटिहार रेल मंडल के बेगूसराय रेल थाना से संबंधित है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को पहली बार देखने पर समझ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन जब इस वीडियो को कई बार दोहराकर स्लो मोशन पर देखा जाता है तो पता चलता है कि पुल पर मौजूद एक शख्स ने ट्रेन की सीढ़ियों पर बैठे युवक का फोन छीन लिया। घटना के दौरान ट्रेन में सवार कई लोगों ने झपटमारों को देखा, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बात किसी को समझ में नहीं आई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रेन तेज रफ्तार में पुल के ऊपर से गुजर रही है। वीडियो जब आगे बढ़ता है तो दिखता है कि दो युवक ट्रेन की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक युवक हाथ में फोन पकड़े हुए होता है। ट्रेन पुल पर से गुजर रही होती है कि अचानक से एक शख्स जो कि पुल पर किसी चीज के सहारे लटका हुआ होता है, वह युवक का फोन पलक झपटते ही छीन लेता है। युवक के पास बैठा एक अन्य व्यक्ति व पीछे खड़े लोग भी पहले नहीं समझ पाते कि क्या हुआ, लेकिन जब युवक खड़ा होकर बताता है कि मोबाइल ले गया, तब जाकर घटना का पता चलता है। मामला कटिहार रेल मंडल में पटना और बेगूसराय को जोड़ने वाले रेल पुल राजेंद्र सेतु का बताया जा रहा है। हालांकि जिस अतिराना अंदाज से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उससे लोग हैरान हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के संबंध में कटिहार नगर थाना क्षेत्र के रामपारा मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद समीर ने शिकायत दर्ज कराई है। झपटमारी की घटना के बाद पीड़ित समीर ने बताया कि वह इंटरसिटी से पटना से कटिहार लौट रहा था। बेगूसराय से ट्रेन आगे ही निकल रही थी कि पुल पर खड़े शख्स ने उसका फोन झपट्टा मारकर छीन लिया।